हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल तनीश वाईटी स्टूडियो। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ चैप्टर 1 इन फिजिक्स, वो भी 10 इन बिटवीन क्वेश्चंस क्लास 9th के। सो गाइस, चलते हैं वीडियो में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइस, क्वेश्चन फर्स्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ गिव्स। स्लोप जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, वो हमें क्या देता है। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकंड्स दूंगा, उसमें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, वो भी ईमानदारी से गाइज। सो गाइज, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो गाइज, इसका राइट आंसर है एक्सेलरेशन। सो गाइज, क्वेश्चन सेकंड है ये, स्पीड ऑफ अ साउंड इन एयर इज। स्पीड बतानी है साउंड एयर की, एयर में साउंड की कितनी होती है स्पीड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो गाइज, इसका राइट आंसर है सी, 346 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। सो गाइज, क्वेश्चन थर्ड पर चलते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड आपको बतानी है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो गाइज, इसका राइट आंसर है ए, मीटर पर सेकंड इज एसआई इनटू द स्पीड। सो गाइज, चलते हैं अपने क्वेश्चन फोर्थ पर, द रेफरेंस पॉइंट नीडेड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डैश। सो गाइज, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो गाइज, इसका राइट आंसर है बी, ओरिजन। सो गाइज, चलते हैं अपने क्वेश्चन फिफ्थ पर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो गाइज, इसका राइट आंसर है ए, वेलोसिटी। सो गाइज, अपने चलते हैं क्वेश्चन सिक्स पर। क्वेश्चन सिक्स ये है, इफ़ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज अ एज शोन फिगर देन स्पीड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो गाइज, इसका राइट आंसर है ए, डिक्रीजेज विद टाइम। सो गाइज, अब चलते हैं अब क्वेश्चन सेवन पर, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज अलोंग। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज अलोंग बताना है आपको। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसका राइट आंसर है ए, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है वो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन होता है। क्वेश्चन एट पर आ जाते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज। एसआई यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की। सो गाइज, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो गाइज, जो एसआई यूनिट होती है ना वेलोसिटी की, वो होती है मीटर पर सेकंड। इट मींस इसका राइट आंसर है ए, मीटर पर सेकंड। सो गाइज, चलते हैं अपने क्वेश्चन नाइन पर, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप इसमें से बता दीजिए और कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिख दीजिएगा। सो गाइज, इसका राइट आंसर है बी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। क्वेश्चन टेंथ अगर आपने पढ़ी होगी तो आप ये जरूर बता पाएंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो गाइज, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो गाइज, ये लास्ट है, इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और जिसने भी इसका आंसर राइट देगा मैं उस पर लाइक जरूर करूंगा गाइज। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं इसका आंसर मत भूलेगा। सो गाइज, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। सो गाइज, यही थी आज की वीडियो। जय हिंद एंड जय भारत।